क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? क्या आप अपने इंग्लिश के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखना चाहते हो? क्या आप इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश लोखंडे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कई बार हम में से कई सारे लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई लोगों के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इंटरव्यू क्रैक करना है, इसलिए उनको इंग्लिश सीखना होता है। कुछ लोगों को अपने फैमिली के साथ बात करना होता है, इसलिए वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे इंग्लिश सीखने के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि हम कुछ बेसिक सी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो उसमें से सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ किताबें पढ़ सकें और उसमें से हमें रिज़ल्ट आएगा। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हम न्यूज़पेपर हमेशा पढ़े, जिसमें से कुछ नए वर्ड्स हम सीखें और जल्दी से हमें इंग्लिश आ जाए। और एट द एंड हम कोशिश करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को याद कर लिया जाए उनको, या फिर रट्टा मार लिया जाए और उससे हम आ सकते हैं। लेकिन उसका नतीजा ऐसा आता है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता और आप फिर फ्रस्ट्रेट होकर इंग्लिश सीखना छोड़ देते हो। तो फिर इंग्लिश को सीखा कैसे जाना चाहिए, ये आज इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर हमें ये जानना है कि किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो क्या कोई उसका सीक्रेट है, या फिर सीक्रेट के बजाय हम ये कह सकते हैं कि क्या उसका कोई साइंस है जिस वजह से हम कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पक्का एक साइंस है जिस वजह से हम इंग्लिश सीखते हैं या फिर कोई भी भाषा सीखते हैं। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी हो दुनिया की, अगर आप इस साइंस का इस्तेमाल करोगे, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, तो आप बहुत जल्द इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो इस साइंस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपनी मातृभाषा कैसे सीखते हैं। मातृभाषा यानी जो भाषा हमारे परिवार में बोली जाती है, हमारे घर में बोली जाती है, वो भाषा जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं। तो जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके घर में जो भी भाषा बोली जाती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो भी उसकी मदर टंग है, उसका बहुत सारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उस बच्चे के ऊपर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चा 1.5 या 2 साल तक बात नहीं कर सकते, लेकिन उस 1.5-2 सालों के बीच में वो सुनते ज़रूर है। वो एक सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लिसनिंग यहाँ पे, क्योंकि मम्मी जो है उस बच्चे की, जो माँ होती है, वो उस बच्चे के साथ हमेशा बात करती रहती है, या फिर बाकी सारे जो भी रिश्तेदार घर में मौजूद होते हैं वो उस बच्चे के साथ बात करते रहते हैं। वो बातचीत कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी पापा उस बच्चे के साथ खेलते हैं, उस बच्चे को गोदी में उठाते हैं, तो मम्मी हमेशा कहती है पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तो बच्चा कहीं ना कहीं वो वर्ड उस चेहरे के साथ याद कर लेता है। और ऐसे ही एक दिन, 1-1.5 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि एक दिन जब पापा उसे अपने गोदी में उठाते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो एक दिन बच्चे को वो वर्ड याद आता है जो उसके मम्मी ने हमेशा कहा होता है पापा पापा, और वो जो बच्चा है वो अपना पहला वर्ड बोलता है पापा। ये सुनते ही पूरा घर जो है बहुत खुश हो जाता है, स्पेशली पापा बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ से जो है वो उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू होती है, वो एक्चुअली भाषा बोलना शुरू करता है जो भी उसकी मदर टंग है। तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करने लगता है, बहुत सा क्यूट लगता है जब वो तुतलाता है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है जिसे वो काफ़ी फनी लगता है, क्यूट लगता है। लेकिन बच्चे की जो है वो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस अब शुरू हो चुकी होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जब बच्चा 3-3.5 साल का हो जाता है, तब तक वो घर में काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है, शेयर करता है अपने फैमिली के साथ। फिर घर में उसको कुछ किताबें दी जाती है, कुछ रीडिंग करवाया जाता है, पिक्चर्स दिखाई जाती है कि ये क्या है। अब 3-3.5 साल का बच्चा होने के बाद, या फिर 4 साल का होने के बाद, उस बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। अब स्कूल जाने के बाद जो है उसे वहाँ पर पढ़ना सिखाते हैं, और फिर जैसे ही वो पढ़ना उसको आ जाता है, उसी के साथ साथ उस लिखना भी सिखाया जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि जो भी उसकी मदर टंग थी वो उसने कैसे सीखी। यहाँ पे कुछ आस्पेक्ट्स है। तो नंबर 1 आस्पेक्ट था कि वहाँ उसके घर में जो इन्वायरमेंट था वो उसकी मातृभाषा का था, वही जो भाषा वहाँ पर बोली जा रही थी वो उसने 1-1.5 साल तक सुनी और फिर बोलना शुरू किया। दूसरा, उसने उसी को सुनता रहा। तो सबसे पहला था इन्वायरमेंट, दूसरा था लिसनिंग, उसने उस भाषा को बहुत देर दिनों तक सुना। थर्ड, फिर उसने सुनने के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू किया,
उसके बाद जब वो स्कूल गया तब उसको वहाँ पे पढ़ना और बाद में लिखना, इस फ्लो में उसने अपनी मातृभाषा को सीखा होता है। और अगर हम बात करें हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं, तो जनरली सबसे पहले ऐसा होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें इंग्लिश पहली बार मतलब पढ़ाने के लिए शुरू होती है। घर में तो हम इंग्लिश में बात नहीं करते, तो वहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश हमसे इंट्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद हमें लिखाया जाता है सबसे पहले, फिर हम ए बी सी डी लिखा करते हैं लिखते हैं और धीरे धीरे उसी को पढ़ना शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो जिसमें हम जिसको हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे माय नेम इज़ आकाश और बहुत सारे सेंटेंसेस जो है हम याद करके बात उनको बोलने लगते हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत लिसनिंग भी हमारी होती है, बट लेकिन स्कूल के टाइम में ही लिसनिंग होती है। जब आप घर आते हो तो आपको फिर से सुनाई देती है आपकी मदर टंग, ना कि इंग्लिश। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम देखें इंग्लिश हम जिस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं वो एकदम उल्टा है। हमें पहले राइटिंग कराया जाता है, उसके बाद हमें रीडिंग कराया जाता है, फिर स्पीकिंग। लिसनिंग तो बहुत कम होती है, इन्वायरमेंट के बारे में छोड़ ही दो। तो ऐसे दो चीज़ों के मतलब दो उल्टी डायरेक्शन से हम लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश तो काफ़ी उल्टा होता है, इसीलिए हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है, तरीका ही गलत होता है, इसीलिए फिर हमें रिजल्ट नहीं आता। तो फिर जो लोग फिलहाल कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किताबें पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश बोलना सीखे, तो उनसे वो होता नहीं है। तो फिर हम कैसे अपने इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी होगी कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। जैसे अगर आपका कोई दोस्तों का ग्रुप है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आपके कोई करीबी दोस्त है, अगर आप सबका मिशन एक ही है इंग्लिश सीखना, अगर एक कोई गोल है आपका, तो आप दोस्त आपका ग्रुप मिलके एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है इंग्लिश का, जहाँ पे आप सब लोग बस इंग्लिश में ही बात करोगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस ही सही। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमें कोशिश करना है कि हम कहीं ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ पे इंग्लिश आपको सुनने मिल सके, आप इन्वायरमेंट का हिस्सा बन सको। जैसे हो सकता है कोई क्लास लगा लो, हो सकता है आप कोई क्लब ज्वाइन कर लो जहाँ पे आप इंग्लिश सुन सको, जिनमें से आप बात कर सको। अगर आप इन्वायरमेंट में जाओगे तो हो सकता है बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दूसरा हम कर सकते हैं, हम अपने इंग्लिश जो है उसको ज़्यादा सुने। अब इंग्लिश कहाँ पे सुन सकते हैं, तो हो सकता है आप कोई मूवीज़ देख लो, हो सकता है आप कोई वेब सीरीज़ देख लो, जिस वजह से आपकी लिसनिंग जो है वो बढ़ती रहे। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो मैं कहूँगा कि आप उसको जो कहते हैं अभी हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग है, आप ऑडियो बुक सुनो, क्योंकि उसमें बुक तो वही होता है, नॉलेज तो वही होता है, लेकिन वो ऑडियो फॉर्मेट में होता है तो वो लिसनिंग करके आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख सकते हो। अब लिसनिंग होने के बाद ज़रूरी है जो भी आपने सीखा है उसको बोलना। अब आपने स्पीकिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप सीख रहे हो, जैसे ज़्यादा ज़्यादा लिसनिंग होती है तो आपको लैंग्वेज समझ में आती हो, फिर अगर आप उसका इस्तेमाल करो, आप बात करने की कोशिश करो, तो फिर हो सकता है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखो। लेकिन कई सारे लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है 100-150 सेंटेंसेस अगर वो रट ले तो बहुत आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन जितने सेंटेंसेस और वर्ड्स आप लर्न करते हो, याद करते हो, रट्टा मारते हो, आपकी लैंग्वेज जो है, आपका नॉलेज जो है वो उन्हीं वर्ड्स के इर्द गिर्द रह जाता है। लेकिन हमें कोशिश करना है नए नए वर्ड सुनते रहे, नए नए नॉलेज ग्रास्प करते रहे जिसको आप बोल सको। इसलिए हम फोकस करेंगे लिसनिंग पे और उसके बाद स्पीकिंग पे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आती रहेंगी, वो तो बाद में वो चलता ही रहता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो सचमुच हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो किसी की मदद कर सकता है इंग्लिश सीखने के लिए, तो इसे उन तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आगे भी आपको मेरे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।